सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप एयरटेल थैंक्स ऑप्शन थ्रू आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे गाइज आपका जो लोन है वो यहाँ पे नहीं अप्लाई हो पा रहा है। और यहाँ पर गाइज आप सामने ऐसा इशू आ जा रहा है, तो इशू में गाइज मैं बताऊंगा कि यहाँ पर इशू क्यों आ रहा है और यहाँ पर आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि गाइज यहाँ पर आपका एयरटेल थैंक्स ऑप्शन थ्रू आपका यहाँ पे जो लोन है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए और यहाँ से गाइज जो लोन का अमाउंट हो यहाँ पे आपको बहुत सीली मिल जाए। तो अगर गाइज आप भी एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन थ्रू आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं और आपके सामने ऐसा इशू आ जा रहा है, तो यहाँ से गाइज मैं बताऊंगा कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए गाइज आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सो फाइनली गाइज चलिए मैं बताता हूँ कौन सा एज स्टेप है जिसको फॉलो करिए गाइज आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो उसके आपको क्या करना होगा, चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। गाइज अभी देखिए मैं अपने फोन की स्क्रीन पे आ गया हूँ, तो भैया जहाँ से मेरा जो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन उसको यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ। तो अभी आज उसको आप ओपन करेंगे, अब देखिए गाइस जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, मतलब कि इस एप्लीकेशन जो होम इंटरफेस होगा या फिर कह लीजिए कि जो होम डैशबोर्ड होगा, देखिए इस तरह से ओपन होगा। तो भैया जहाँ से आपको लोन अप्लाई करेंगे जब आपको क्या करना हो, सिंपली गाइस आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन होगा। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे देखिए मैनेज का है, और यहाँ पे देखिए जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे देखिए पे का है, और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे शॉप का है, और यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे देखिए हेल्प का है। अभी देखिए जहाँ पर बाय डिफॉल्ट शॉप पे ही रहेगा, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने शॉप कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। तो भैया जहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन शो होगा एयरटेल फाइनेंस का, तो गाइज आप यहाँ पे क्लिक करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर गाइज मान लीजिए कि ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं शो हो पा रहा है, तो आप गाइज उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब गाइज जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपके सामने एयरटेल पे का जो डैशबोर्ड होगा वो देखिए ओपन हो जाएगा। तो भैया जहाँ से आपको लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी जो पेज है आप इसको स्टार्ट करके आप नीचे ले जाएंगे, और देखिए जैसे आप इंस्टॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने इंट्रोड्यूसिंग एयरटेल फाइनेंस का पेज ओपन होगा। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे आपको ऑप्शन होगा पर्सनल लोन का, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 9 लाख रुपीज का यहाँ पे आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। तो भैया यहाँ पे जो ऑप्शन है पर्सनल लोन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। बिल्कुल गाइज, अब देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो अब देखिए यहाँ पर आपके सामने फ्लेक्सी क्रेडिट और यहाँ पे देखिए आपके सामने थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट का यहाँ पे इशू आ जा रहा है। और यहाँ से गाइज आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे देखिए आपको फेस हो जा रहा है, और यहाँ से गाइज आप जो लोन है वो यहाँ पे नहीं अप्लाई हो पा रहा है। तो फाइनली चलिए बताते हैं कि यहाँ पर ये इशू क्यों आ रहा है। गाइज अगर आप ये जान गए कि इशू क्यों आ रहा है, तो यहाँ से गाइज जो प्रॉब्लम होगा यहाँ पे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले गाइज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, तो गाइज ये कह रहा है कि इस एप्लीकेशन में आपको इंटरेस्ट दिखाने के लिए आपको धन्यवाद। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली योर एप्लीकेशन डिड नॉट मीट आवर लेंडिंग पार्टनर रिक्वायरमेंट एट दिस टाइम। तो फाइनली जब देखिए कह रहा है कि जब आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ से मेरे लेंडिंग पार्टनर हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एप्लीकेशन फॉर्म है अब यहाँ पर नहीं प्रोसेस हो पाएगा। तो जैसे कि आज आपको पता है कि यहाँ पे जो लोन मिलेगा फ्रेंड वो यहाँ से एयरटेल थैंक्स कंपनी नहीं देगी लोन, बल्कि आज यहाँ पे आपको जो लोन वो देंगी फ्रेंड जो कंपनी इसमें रजिस्टर्ड, जैसे कि लेंडिंग पार्टनर जैसे कि मनी वो हो गया और सारी बहुत सारी कंपनी है जो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड। और फाइनली अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन ट्राई अगेन आफ्टर 2 मार्च 2024। तो गाइस ये कह रहा है कि यहाँ पे आप 2 मार्च 2024 के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे कि जब वो पता है कि आज 1 फरवरी है, यहाँ से मैं 1 फरवरी को यहाँ पे अप्लाई कर रहा था, तो यहाँ से देखिए मुझे सिर्फ यहाँ पे केवल 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे आपको भी कुछ टाइम दे रहा होगा, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टाइम पीरियड आपको दे रहा है इस टाइम पीरियड के बाद आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ से जो लोन होगा वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अगर गाइज यहाँ पर आपके सामने ऐसे ही इशू आ रहा है, तो यहाँ पर इस इशू को सॉल्व करने का बस यही एक तरीका है। हालांकि गाइज मैंने कस्टमर केयर से बात किया तो वो लोग भी यही बताया जो मैंने भी आपको बता रहा हूँ। तो इसमें गाइज मुझे आपको ये बताना था कि अगर आपको यहाँ पर इशू आ रहा है तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।